उस गाड़ी का गा पूरा खत्म कर हर साल आते हैं, प्रत्येक वर्ष यार से क्वेश्चन बनते हैं, वो गारंटी क्वेश्चन बनते हैं। ये सी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस से जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, यहाँ से गारंटी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है क्या। ठीक है, तो बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ, डेफिनेशन में कहते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग मतलब फाइंडिंग के न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग सब लोग ऐड हो गए, मतलब जहाँ जहाँ जिस ग्रुप में भेजा खाली उतने लोगों को ऐड होना है, सबको ऐड नहीं होना है। तो जो लोग ऐड में थोड़ा सा वो मैसेज कर दें। ठीक है, कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल the value of a definite integral from the set of numerical value of integrand। क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, वैसे जो प्रॉब्लम थी चीज में जैसे तो क्लियर है, लेकिन जिनको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मैं जिस ग्रुप में भी है मैं उसमें रिकॉर्डेड भेज दूंगा आपको, वो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जिस ग्रुप में मैं लिंक भेजाऊँ मैं उसमें रिकॉर्डेड शेयर कर दूंगा, अनलिस्टेड रहेगा, पब्लिकली नहीं अपलोड होगा। ठीक है, मैं जिसको भेजूंगा वही क्यों देखता है अभी। ओके, हाँ, और साथ ही साथ अगर कहीं पर अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो आप लोग थोड़ा सा फिट कर लीजिए, बाहर हो जाइएगा, उसके बाद फिर से आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है हमें। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा ये डिफरेंट इंटीग्रल, डिफरेंट इंटीग्रल की आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। कहाँ से? फ्रॉम द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट क्या है? ये जो एफ एक्स है ना, ये इंटीग्रेंट है। तो इसी एफ एक्स की वैल्यू जो है, अब एफ एक्स, अब ये क्या होगा ना कि आपको एक्स की वैल्यू पर, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर वाई की वैल्यू मतलब एफ एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एक सेट बना लेंगे, डाटा कलेक्शन बना लेंगे, इसमें एक्स होगा एफ एक्स होगा, एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे हम लोग और एक्स की वैल्यू इसी इंटरवल ए टू बी में रहेगा। ठीक है, हम यहाँ से एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, एफ एक्स वैल्यू निकालते जाएंगे और इसी डाटा के हेल्प से हमको इसको सॉल्व करना रहेगा। इससे हम लोग जो इंटीग्रेशन पहले पढ़े हैं कैलकुलस वाला, हम लोग अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इंटीग्रेंट है हमारा एफ एक्स, ठीक है, उस इंटीग्रेंट एफ एक्स में एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे हम लोग, पुट करते जाएंगे और उससे करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकालते जाएंगे। एक आपको मिल जाएगा सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेंट आपको मिल जाएगा और उसी के हेल्प से हम इस डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। तो इस डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू इस सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेंट से जो निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, वही आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। ठीक है,
अब देखिए जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ध्यान समझिएगा, इसको निकालने का, इसको सॉल्व करने का, वो भी इस डाटा के हेल्प से, कितने मेथड आपको पढ़ने हैं। तो चार मेथड आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा सीधे सीधे, है ना, क्वेश्चन देगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx / 1 + x स्क्वायर सॉल्व दिस बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल, बाय विडल्स रूल। आप लोग लिंक शेयर नहीं करेंगे, जिस ग्रुप में भेजें खाली वही ग्रुप के बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आप उन्हीं नियमों से, मैं रिकॉर्डेड में उनको भेज दूंगा, और ये पब्लिकली नहीं है, याद देखेंगे आप लोग। तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो यहीं से हम लोग इसमें रखते जाएंगे, ठीक है, यहीं से हम इसमें रखते जाएंगे और निकालते जाएंगे, ओके। तो इस इसी डाटा से हम इसको सॉल्व करेंगे, याद देखिएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, वो फोर रूल आपको यहाँ पढ़ने हैं, फोर रूल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसके हेल्प से आप इसको, ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे डिफरेंट इंटीग्रल क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे डिफरेंट इंटीग्रल क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन से रूल है, तो चार रूल आपको पढ़ना है, ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, दूसरा आपको पढ़ना है सिम्पसन, सिम्पसन 1/3 रूल, तीसरा आपको पढ़ना है सिम्पसन्स 3/8 रूल, और चौथा आपको पढ़ना है विडल्स रूल, ठीक है, विडल्स रूल। इन चार नियमों से आपको किसी डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, वो भी फ्रॉम द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेंड, है ना, इंटीग्रेंड मतलब एक्स, एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, वैसे निकालते जाएंगे, जो सेट बन जाएगा ना डाटा का, उसी डाटा के हेल्प से हमें किसी भी डिफरेंट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के चार मेथड आपको पढ़ने हैं, वो चार मेथड है ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल एंड विडल्स रूल, ओके। ये चार मेथड आपको पढ़ने हैं यहाँ से, ठीक है, इन चार मेथड से पढ़ने। अब इन सबका डेरिवेशन लीजिए, देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सबका हमको डेरिवेशन भी पढ़ना है, एग्जाम में आपको डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो डेरिवेशन इसका जब करेंगे आप, डेरिवेशन हम लोग करते हैं, डेरिवेशन पहले करते हैं, निकालते हैं जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला का हम लोग पहले डेरिवेशन करते हैं, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं, और उसी जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले के हेल्प से हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल को ड्राइव करते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल को ड्राइव करते हैं, सिम्पसन 3/8 रूल को ड्राइव करते हैं, और विडल्स रूल को ड्राइव करते हैं, ठीक है। जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला पहले ड्राइव करते हैं, उसी जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले की हेल्प से हम ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल एंड विडल्स रूल, इनको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला आपके सामने ड्राइव करेंगे, और उसके बाद और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, तो आप बने रहिए, और फिर मैं रिकॉर्डेड उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से देख लीजिए, ओके। तो बात करेंगे स्टूडेंट्स जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, जो फर्स्ट आप रेडी करेंगे, इंपॉर्टेंट रेडी करेगा, इसी जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले से हम पूरी का पूरा जो चारों मेथड है उन सबको ड्राइव करते हैं। तो पहला आपका हेडिंग रहेगा जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा बता बताऊँ पहले जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हम क्या करना है, कंप्यूट करना है, हम लोग क्या करना है, फ्रेंड्स निकालना है, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं, लेट द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी जो अपर रेंज है बी डिवाइडेड। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, जो इंटरवल है आपका, जो लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, आप उसको डिवाइड कर देंगे, कितने पार्ट से, डिवाइडेड इनटू
n इक्वल पार्ट्स सच दैट, इसे आप n इक्वल पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किस तरीके से डिवाइड करेंगे, सच दैट a इज इक्वल टू x नॉट लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन डॉट डॉट लेस देन xn इक्वल टू। इस तरीके से आप जो इंटीग्रेशन a टू b है उसे n इक्वल पार्ट में आप जो है डिवाइड कर देंगे। प्रतिज्ञा है बेटा, प्रतीक्षा प्रतीक्षा है क्या ये। अब जो ये हो गया इस तरह से, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ बाय न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक, हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। प्रतीक्षा है तो ये बेटा सबसे पहले न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है क्या, तो I इज इक्वल टू यही I हमारा जो I यही है, ठीक है, इंटीग्रेशन a टू b है। तो ये आपका फॉर्मूला जो है, मैं इसकी बात करूं तो a टू b ये फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला आपका होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल टू वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू, ठीक है, यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल थ्री वाई नॉट प्लस डेल डेल वाई नॉट। ये आपका न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, मतलब y को टू एक्स। अब a क्या है, x नॉट, आप ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x नॉट टू xn, क्योंकि a इक्वल टू x नॉट और xn को हमने b बोला, तो x नॉट से xn और एफ एक्स डी एक्स। अब ये देखो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन x नॉट से xn, अब एफ एक्स है क्या, तो ये एफ एक्स y नॉट प्लस का u डेल y नॉट और प्लस u u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल टू आई नॉट प्लस u u माइनस वन u माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल थ्री वाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हमारा एफ एक्स है और फिर उसके बाद डी एक्स हो गया, ठीक है, ये डी एक्स हो गया। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई समस्या इसमें है नहीं, क्या प्रोसेस है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चूंकि आप ये भी जानते हो, सिंस u इज इक्वल टू होता है x माइनस x नॉट अपॉन h, ठीक, अगर पढ़ा हुआ है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में, तो यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू x नॉट प्लस h u, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो dx इज इक्वल टू आपको मिल जाने वाला है, अगर है ना, तो h du, dx इक्वल क्या हो जाएगा, h du, डिफरेंशिएट कर दीजिए, x नॉट क्या है, x की कोई वैल्यू है तो इसलिए उसका हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, तो dx इक्वल टू मिलेगा h du, यही रख देंगे dx के स्थान पे h du। अब लिमिट की बात कर लीजिए, जब मैं यहाँ रखूंगा x के स्थान पे x नॉट, व्हेन x इक्वल टू x नॉट, जब x के स्थान पर आप x नॉट रखेंगे तो आपको मिल जाएगा u इज इक्वल टू जीरो, अगर देखिए यहाँ पे तो u इक्वल टू क्या मिल जाएगा जीरो, और when जब आप x के स्थान पे xn रखेंगे तो क्या मिलने वाला था, ध्यान दीजिएगा u इक्वल टू मिल जाएगा x के स्थान पे xn, अपर लिमिट, तो xn रख दीजिए, xn माइनस x नॉट अपॉन h, xn क्या है, देखो x1 क्या होता है, x1 होता है x नॉट प्लस h, x2 क्या होता है, x0 plus का 2h, x3 क्या होता है, x0 plus का 3h, ऐसे इसी तरह से xn क्या हो जाएगा, x0 plus का nh, यहां जब रखेंगे xn के स्थान पर x0 plus का nh minus x0 upon h,
तो इससे इससे कैंसिल या चेंज कैंसिल तो ये मिल जाएगा। तो अब जो लिमिट जाएगी स्टूडेंट्स वो जाएगी इंटीग्रेशन जीरो टू एन, ठीक, वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल टू वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल थ्री वाई नॉट प्लस डॉटर डॉट क्यों जाएगा। और ये जो dx है इसके स्थान में क्या लिख देंगे, dx के स्थान देंगे h du, तो ये h हमारा इस तरीके से यहाँ पे और ये हो गया du h du, ठीक है। अब इसी को हम क्या कर लेंगे इंटीग्रेट, आइए भी इसे इंटीग्रेट किया जाए। तो इंटीग्रेट y नॉट du, तो y नॉट तो कांस्टेंट, du का u हो जाएगा तो u u y नॉट हो जाएगा, u y नॉट हो जाएगा, ठीक, प्लस फिर u का करेंगे u स्क्वायर बाई टू और डेल वाई नॉट ये सफिक्स, ठीक, u का ही होगा। अब यहाँ देखो u स्क्वायर u का गुणा कर देंगे तो u स्क्वायर माइनस u हो जाएगा, और जब u स्क्वायर दूसरा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर माइनस u, u स्क्वायर करेंगे तो u क्यूब बाई थ्री माइनस का, फिर u का करेंगे u स्क्वायर बाई टू अपान फैक्टोरियल थ्री, अपान फैक्टोरियल थ्री, और ये डेल टू वाई प्लस इनका गुणा कर लीजिए। जब u माइनस वन का u माइनस टू में करोगे तो मिल जाएगा u स्क्वायर प्लस का थ्री यू स्क्वायर माइनस का थ्री यू प्लस का टू, ठीक है, जब u माइनस वन का u माइनस टू में करोगे। और फिर इसमें फिर u से गुणा करोगे तो u क्यूब हो जाएगा, तो u क्यूब का जब करोगे तो u टू द पावर फोर बाई फोर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर इसमें गुणा करोगे u से तो थ्री यू स्क्वायर से गुणा कर देंगे थ्री यू स्क्वायर, तो u स्क्वायर का फिर u क्यूब बाई थ्री माइनस, फिर इसमें टू यू टू यू का यू स्क्वायर बाई टू, यह हो गया इंटीग्रेशन सबका अपान फैक्टोरियल थ्री और डेल थ्री वाई नॉट, ठीक है, और प्लस जाएगा और लिमिट कितनी है जीरो टू एन, लिमिट कितनी है जीरो टू एन। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, तो एच अब जहाँ यू है ठीक है वहाँ पे आप रख दीजिए एन प्लस काम खत्म, जहाँ यू है वहाँ एन रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर रखेंगे तो जीरो ही मिलने वाला है, खाली अपर लिखा जाएगा तो आपको तो ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू, ये इस तरह से आपको मिल जाने वाला है, ठीक। क्या मिल जाएगा, यहाँ रख देंगे यू के स्थान पर एन, एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाई टू डेल वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाई टू डेल वाई नॉट, कौन है लाइव मैसेज करे बेटा कौन हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ रह देंगे एन तो जाएगा मैसेज करते जो है एन क्यू बाई थ्री माइनस एन स्क्वायर बाई टू और अपान फैक्टोरियल सिक्स और डेल टू वाई नॉट प्लस एन टू दी पावर फोर बाई फोर माइनस थ्री से थ्री कैंसिल एन क्यू टू से टू कैंसिल एन स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा प्लस एन स्क्वायर अपान सिक्स एक मिनट ये फैक्टोरियल टू है ना और ये टू ही रहेगा यहाँ जाएगा फैक्टोरियल थ्री का सिक्स हो जाएगा, ठीक है, और डेल थ्री वाई नॉट और प्लस डॉट डॉट। तो ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले को हम बोलते हैं, ठीक है, यही आपको ध्यान होना चाहिए, इसी को बोलते हैं जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, इसी क्या बोलते हैं जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। आयुषी यादव बेटा एक बार एग्जिट होके फिर एंट्री कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिखाई देगा क्लियर। आईओसी जो भी है आप बेटा प्लीज एक बार आप बाहर जाइए फिर उस पर एंट्री कीजिए, क्लियर दिखाई देगा, या डाटा ऑफ ऑन कर दीजिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा ग्रुप में, ओके, बताइए जल्दी से। तो इस तरीके से, और जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग पीछे से शुरुआत से देखिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये हो जाएगा इस तरह से, ये मेन आपका जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला।
y इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच इन ब्रैकेट एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाई टू डेल वाई नॉट प्लस एन क्यूब बाई थ्री माइनस एन स्क्वायर बाई टू अपॉन टू डेल टू वाई नॉट प्लस एन टू पावर फोर बाई फोर माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर अपॉन सिक्स डेल थ्री वाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यही जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है। ठीक है, ये जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है। जब इसी जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में एन इक्वल टू वन रखते हैं तो हमें मिलता है ट्रेपेजॉइडल रूल। हमें क्या मिलता है? ट्रेपेजॉइडल रूल। जब इसमें हम एन इक्वल टू पुट अप करते हैं तो हमें स्टूडेंट्स मिल जाता है, ठीक, सिम्पसन वन थर्ड रूल। और जब इसमें हम एन इक्वल टू थ्री रखते हैं तो हमें मिलता है सिम्पसन थ्री एट रूल। और जब इसमें हम एन इक्वल टू सिक्स रखते हैं इसी फार्मूले में तो हमें मिलता है वेडल्स रूल। ठीक, वेडल्स रूल। तो इसी फार्मूले में ये जो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है इसी में एन इक्वल टू वन रखने पर आपको मिलेगा ट्रेपेजॉइडल रूल, एन इक्वल टू टू रखने पर आपको मिलेगा सिम्पसन वन थर्ड रूल, एन इक्वल टू थ्री रखने पर आपको मिलेगा सिम्पसन थ्री एट रूल और एन इक्वल टू सिक्स रखने पर आपको मिल जाएगा वेडल्स रूल। ठीक है, अब कभी एग्जाम में आता है कि ड्राइंग कीजिए सिम्पसन वन थर्ड रूल, ऐसा नहीं कि आप ये फार्मूला याद करके इसी में एन इक्वल टू टू रख दें और आपको सिम्पसन वन थर्ड रूल मिल जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया आपकी तरफ से, इधर से कोई दिक्कत नहीं हो? पीछे होके देखिए आप, ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए। तो अब जैसे आपको जनरल पूछा कि ड्राइव सिम्पसन वन थर्ड रूल, तो आप इसी फार्मूले में एन इक्वल टू वन रख देंगे तो आपको सिम्पसन वन थर्ड रूल मिल जाएगा। तो जब ड्राइव, अच्छा ऐसा नहीं कि आप इसी फार्मूले रख के निकाल देंगे, जब ड्राइव करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले इसमें से कोई फार्मूला जब ड्राइव करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आप जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला ड्राइव कीजिएगा। ये कंपलसरी, सबसे पहले आप जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला ड्राइव कीजिएगा, देन जो भी इसने से बोला है, अगर सिम्पसन वन थर्ड बोला है देन एन इक्वल टू वन, सिम्पसन थ्री एट बोला है एन इक्वल टू, सॉरी एन इक्वल टू सिम्पसन वन थर्ड के लिए, सिम्पसन थ्री एट बोला है तो एन इक्वल टू थ्री, सिम्पसन मिडल्स रूल बोला है एन इक्वल टू सिक्स, ट्रेपेजॉइडल रूल बोला था एन इक्वल टू वन, आप पुट अप करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ध्यान से ये लेक्चर करेंगे आप, यहाँ से 101% 10 नंबर का क्वेश्चन आप कर जाएंगे। ठीक है, एकदम गारंटी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आइए ध्यान दीजिए। तो हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल ड्राइव करते हैं। जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला से ही करना है इसलिए मैं उसको मिटा दिया रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब हम रेडी करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। अब चार हम पढ़ने हैं तो हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। देखिए और मैं डी जो है डीपली डिस्कस कर सकता हूँ इस रूल को, बट मैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तो फिर हम इन सब टॉपिक पे और डिटेल में कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ। ठीक है, और इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कोई समस्या एग्जाम में नहीं होने वाला, आप 100% क्वेश्चन करके चले जाएंगे। फ्री का नंबर कैलकुलेटर यूज होता है, आपको पता है। ठीक है, तो फिर ज्वाइडर रूल की बात करते हैं। तो आज क्या करेंगे, ये जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है, तो पुट एन इज इक्वल टू वन इन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, इन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। आप इस जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में एन इक्वल टू वन पुट अप कर दीजिए। ठीक, तो क्या होगा देखिए, ये मतलब क्या एक्स नॉट, ठीक है, और बी मतलब क्या एक्स एन, ठीक, बी मतलब एक्स एन। तो आप क्या पुट कर रहे हैं, n इक्वल टू वन, कहाँ पे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला क्या मिलेगा, बोलते हैं यहाँ तो नहीं मिल जाएगा, बहुत सिंपल, देखिए ध्यान समझिएगा n, और इसके और ध्यान दीजिएगा, पुट n इक्वल टू वन इन जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला एंड नेगलेक्टिंग द सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस, Neglecting the second and higher order differences. ठीक है, आइए
देखते हैं आप दस, तो भैया ध्यान से इंटीग्रेशन, अब एक्स नॉट, एक्स नॉट एक्स एन, एन के स्थान पर वन, तो एक्स वन हो जाएगा, एक्स नॉट एक्स वन, ठीक है। फिर एफ एक्स डी एक्स, ध्यान से देने की कोशिश कीजिएगा, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए एच, ठीक है। फिर एन के स्थान पे आप वन रख रहे हैं तो वाई नॉट प्लस, फिर एन के स्थान पे आप वन रख रहे हैं तो वन बाई टू और डेल वाई नॉट। फिर इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस से, और ये उसके आगे के तो सेकेंड ऑर्डर और उसके आगे वाले जितने डिफरेंसेस है उससे हायर वाले उनको हमको नेगलेक्ट कर देना है, तो खाली इतना ही आपको मिलेगा, यहीं तक केवल इतना है, और एन इक्वल टू वन हो गया, सिंपल। अब एच ध्यान से लीजिएगा, वाई नॉट प्लस डेल वाई नॉट क्या होता है, तो जो मैंने आपको शुरुआती स्टार्टिंग लेक्चर न्यूमेरिकल में आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, इन सब के बारे में आपको बताया है। तो डेल वाई नॉट मतलब वाई वन माइनस का वाई नॉट, वाई वन माइनस का वाई नॉट, तो वन बाई टू डेल वाई नॉट वाई वन माइनस का वाई नॉट, ठीक है। तो क्या मिलने वाले यहाँ से, तो एच वाई नॉट प्लस, अब यहाँ से अगर टू एलसीएम ले लीजिए बाहर कर लीजिए तो एच बाई टू जाएगा, तो यहाँ से टू आई नॉट और प्लस का वाई वन माइनस का वाई नॉट, ठीक है, मिलने वाला है। इसमें से हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको एच बाई टू, ठीक है, और इसमें से घट जाएगा तो वाई नॉट और प्लस का वाई, वाई नॉट प्लस का वाई, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक क्लियर है। तो जो आप चल रहे हैं ये आपको पहला टर्म जो है ये आपको इस तरह से मिल जाने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए जब इस तरह से कुछ सिमिलरली ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सिमिलर ये तो एक्स नॉट से एक्स वन की वैल्यू होगी, अगर आपसे कोई बोले कि एक्स वन से एक्स टू एफ एक्स डी एक्स का क्या होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं, देखो एक्स नॉट से एक्स वन था तो यहाँ वाई नॉट प्लस वाई वन है, एक्स वन से एक्स टू है तो यहाँ मिलेगा एच वाई टू वाई वन प्लस का वाई टू, ठीक है। फिर अगर x2 से x3 की बात करें fx dx, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा h by 2, ठीक है, y2 plus का y3, ध्यान दीजिएगा ऐसे डॉट डॉट, लास्ट में वहां पहुंचेंगे आप, xn तक जाना है आपको, तो उसके ठीक पहले क्योंकि एक का ही डिफरेंस है, xn minus 1 से xn fx dx, अगर इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो ये मिलेगा h by 2 और yn माइनस वन प्लस का yn, yn माइनस वन प्लस का yn, ठीक है, ये सब की वैल्यू ऐसे निकाली है। अब हमको निकाली चुकी इसकी वैल्यू, दस y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f x dx, अब इसको चाहे a टू b लिखो चाहे x नॉट से xn लिखो, मैंने आपको लिखाया है a इक्वल टू x नॉट फिर f x dx, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको आप अलग कर लीजिए, x नॉट से x1 f x dx लिख दीजिए, इसी x0 से xn तक पहुंचना है, x1 से x2 fx dx लिखिए प्लस x2 से x3 fx dx लिखिए और प्लस डेल्टा प्लस और xn माइनस 1 से xn fx dx, इसी x से 10 तक पहुंचना है मुझे, मतलब इंटीग्रेशन 1 टू 10 fx dx है, तो उसे आप इंटीग्रेशन 1 टू 2 fx dx प्लस इंटीग्रेशन 2 टू 3 fx dx प्लस इंटीग्रेशन 3 टू 4 fx dx प्लस डेल्टा प्लस इंटीग्रेशन 9 to 10 fx dx, ठीक है, ऐसे हम करेंगे। अब सर वैल्यू पुट अप कर दीजिए तो क्या मिल जाने वाला है, तो पुट अप कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, h by 2 y not plus का y2, इसकी वैल्यू कितनी है, h by 2 y1 plus का y2, इसकी वैल्यू कितनी है, h by 2 y2 plus का y3 plus dot dot plus इसकी वैल्यू कितनी है, h by 2 y n minus 1 plus का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एच बाई टू तो सबसे कॉमन, ठीक, देखो इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम है, इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम है, तो और यहाँ देखिए ये फर्स्ट है तो ये इसके ठीक पहले वाले का जो सेकंड होगा वो इसका फर्स्ट होगा, तो ये वाई नॉट और वाई एन को छोड़कर, वाई नॉट और वाई एन को छोड़कर बीच में जितने भी टर्म मिलेंगे, वाई नॉट और वाई एन को छोड़कर बीच में आपको जितने भी टर्म मिलेंगे वो सभी के सभी जो टर्म है, ठीक है, वो सभी के सभी जो टर्म है वो डबल बार है, टू टाइम्स डबल टाइम्स, ठीक है। तो आप इसको एक काम कीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट वाई नॉट प्लस वाई एन क्योंकि एक ही बार आया है
और बीच में जितने भी टर्म है, बीच में जितने भी टर्म है वाई वन प्लस का वाई टू प्लस का वाई थ्री प्लस एडर प्लस का वाई एन माइनस वन, इसको ऐसे कर लें। तो ये आपका हो गया वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए फार्मूला हो गया, चल इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, ये ट्रेपेजॉइडल रूल है, ये ट्रेपेजॉइडल रूल है, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व। देखो जब अब देखिए अब इससे हमने क्या किया था, जब हम इसको ड्राइव करने गए थे जनरल पार्टीचर फार्मूला, मैंने इंटीग्रेशन ए टू बी को एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एन इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जब आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आप पे डिपेंड करता है कितने पार्ट में, अगर आपने 10 पार्ट में किए हैं, अगर मान लीजिए 10 पार्ट्स किए हैं तब फार्मूला क्या जाएगा, वाई नॉट प्लस का वाई टेन, वाई नॉट प्लस का वाई टेन और प्लस टू टाइम्स वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस कहाँ तक वाई नाइन तक, अगर आपने सिक्स पार्ट किए हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच बाई टू वाई नॉट प्लस वाई सिक्स हो जाएगा, वाई नॉट प्लस वाई सिक्स और बचे जो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव है सब के सब टू टाइम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक। ट्रेपेजॉइडल रूल के बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से सिम्पसन्स वन थर्ड रूल के बारे में, ओके। हम बात करते हैं सिम्पसन वन थर्ड रूल, इसके लिए क्या करेंगे, ठीक पुट करेंगे एन इक्वल टू टू इन जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला एंड नेगलेक्टिंग the third and higher order differences and neglecting the third and higher order differences I ab isme kisi bhi ho this ki integration hai x not x not अब n के जगह 2 तो 2 हो जाएगा h2 और fx dx ठीक है, इंटीग्रेशन x0 से x2 fx dx। चलो आप क्या कर रहे हैं, n के जगह 2 तो मैंने x से n के जगह 2 के लिए x2 हो गया, अब तो कोई h हो गया ब्रैकेट में n के जगह 2 तो 2y0 प्लस n के जगह 2 करेंगे 2 का स्क्वायर बाय 2 तो कर जाएगा 2 जाएगा 2 del y not प्लस, ठीक है। थर्ड यहां से छोड़ दें, छोड़ना चालू कर देंगे, ठीक है यहां छोड़ना चालू कर देंगे, थर्ड डिफरेंस से है उसके आगे वाले छोड़ कर देंगे 2 तक अब लिखेंगे, एंड एग्जांपल में 2 तो 2 का क्यूमुलेटिव 8 बाय 3 भी आएगा फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 मतलब 2 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2 और del 2 y not ये आपको मिल जाएगा। आपका ध्यान दीजिएगा एक चीज, ये एच हो गया ये 2y नॉट हो गया प्लस का 2 डेल y नॉट मतलब y1 माइनस का y नॉट, ठीक डेल y नॉट का मतलब y1 माइनस का y नॉट। अब डेल 2y नॉट मतलब क्या होता है, डेल डेल y नॉट ये सब पढ़े हैं हम स्टार्टिंग में, मतलब डेल और डेल y नॉट की वैल्यू कितनी है y1 माइनस की y नॉट, फिर इस पर जब डेल लगाएंगे y1 पे लगाएंगे तो y2 माइनस का y1 माइनस इस पर लगाएंगे y0 पे तो फिर y1 माइनस का y0, ये आगे माइनस है तो माइनस का y1 और प्लस का y0, तो ये जाएगा y2 माइनस का 2y1 प्लस का y0, ये डेल 2y0 की वैल्यू, ठीक है। अब इसको रख देंगे यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे एलसीएम भी ले लीजिए, 3 एलसीएम होगा तो 3 में 6 8 में से 6 गया 2 बाई 3 तो 2 बाई 3 तो 3 यहाँ जाएगा 2 से 2 कैंसिल जाएगा हो जाएगा 1 बाई 3 1 बाई 3 और डेल टू वाई नॉट की वैल्यू आ गई हमारी वाई टू माइनस की टू वाई वन और प्लस का वाई नॉट ये आ गई, ठीक। अब यहाँ पे बाई थ्री है, यहाँ है बाई थ्री है, ठीक बाई थ्री है तो आप वन बाई थ्री कॉमन कर लेंगे
हो जाएगा एच बाई थ्री, वन थर्ड है तो थ्री जब आपने कॉमन किया तो वन बाई थ्री कॉमन किया तो यहाँ हो जाएगा सिक्स वाई नॉट, और इसमें थ्री से मल्टीप्लाई सिक्स वाई वन माइनस का वाई नॉट और प्लस का वाई टू माइनस का टू वाई वन प्लस का वाई नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एच बाई थ्री, तो अब यहाँ पे सिक्स वाई नॉट माइनस का इसको गुणा करेंगे सिक्स वाई नॉट, तो प्लस सिक्स वाई नॉट माइनस सिक्स वाई नॉट कैंसिल, अब खाली यहाँ से एक बचेगा वाई नॉट प्लस। अब y1 की बात करते हैं, कौन है लाइव का बताया मैं, एक बच्चा मान लाइव है लगा मैसेज के लिए, कौन लाइव है प्लीज रिप्लाई। हाँ बेटा रिकॉर्डेड रहेगा, दिखाई दे रहा है क्लियर, क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ बेटा आयुषी रिकॉर्डेड रहेगा, आप ग्रुप में हो ना आयुषी, ग्रामांचल के ग्रुप में है ना आप, रिप्लाई के लिए ग्रामांचल ग्रुप में है आप, अच्छा अभी दिखाई दे रहा है क्लियर तो बताइएगा, अभी क्लियर दिखाई दे रहा है प्लीज रिप्लाई करो जल्दी से मैसेज। रिप्लाई कीजिए बेटा, अभी दिखाई दे रहा है क्लियर आयुषी, हेलो हेलो क्लियर दिखाई दे रहा है आयुषी, रिप्लाई करो बेटा जल्दी से, हेलो हमारे पास क्या है y2, ठीक है, ये देखिए सिम्पसन्स वन थर्ड रूल इस तरह से आपको मिल जाएगा, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का ये भी फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वन थर्ड रूल का ये आपका रहा फर्स्ट पार्ट, रिप्लाई नहीं किया दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्लियर करने की कोशिश, चलो अब सिमिलरली मैं कंटिन्यू करता हूँ, सिमिलरली अब देखो x0 से x2 है तो मैं लिखूंगा x2 से x4, अभी मेरा तीन तीन टर्म आ गए, जैसे x0 से x2 में क्या होगा x0 होगा बीच में x1 आएगा फिर x2 आपका है, ठीक है, फिर आपका क्या है x2 है, ठीक है इस तरह से, तो अब यहाँ पे x2 से x4 दो दो का डिफरेंस चल रहा है fx dx, ये क्या आ जाएगा देखते हैं हमसे h by 3, यहाँ जब x0 से x2 था तो y0 y1 y2, यहाँ x2 से x4 है तो y2 आएगा प्लस का 4y3 प्लस का y4, फिर इंटीग्रेशन x4 टू x6 fx dx, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा h by 3,
अब x4 से है तो y4 प्लस का 4y5 प्लस का y6 ऐसे ऐसे डॉट डॉट लास्ट लगा जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन xn माइनस 2 से xn fx dx तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन सॉरी ये मिल जाएगा x by 3 ठीक है yn माइनस का 2 प्लस का 4yn माइनस का 1 प्लस का y ये आपको मिल जाएगा ओके अब इंटीग्रेशन x नॉट से xn fx dx को क्या लिखेंगे यही मतलब क्या है इंटीग्रेशन a टू b fx dx इसको लिख सकते हैं आप दो दो के अंतराल में लिखेंगे x नॉट से x2 जैसे 0 से 10 है तो 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 fx dx प्लस इंटीग्रेशन x2 से x4 fx dx प्लस इंटीग्रेशन x4 से x6 fx dx प्लस डॉट डॉट प्लस इंटीग्रेशन xn माइनस 2 से xn fx dx ठीक है अब तो 10 अब सब वैल्यू रख दीजिए इसमें कि इसकी वैल्यू कितनी आई इसकी वैल्यू आई h बाई 3 y नॉट प्लस का 4 y1 प्लस का y2 इसकी वैल्यू कितनी है h बाई 3 y2 प्लस का 4y3 प्लस का y इसकी वैल्यू कितनी आई है प्लस h बाई 3 y4 प्लस का 4y5 प्लस का y6 प्लस डॉट डॉट प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है h बाई 3 yn माइनस 2 प्लस का 4yn माइनस 1 प्लस का y ठीक अब इन सब में कॉमन क्या है इन सब में h बाई 3 कॉमन है तो h बाई 3 ध्यान दीजिएगा तो इसमें y नॉट और y yn y नॉट और yn ये आपका एक ही बार आया हुआ देखिए y नॉट है यहाँ से y मिल है ठीक तो इसको लिख दीजिए एक साथ y नॉट और प्लस का yn एक साथ लिख प्लस देखिए जो और वाले हैं जैसे y1 4 टाइम्स y3 4 टाइम्स y5 4 टाइम्स yn 4 टाइम्स जितने ऑड वाले हैं यहां देखिए ऑड वाले थे यहां भी तरीका समझिएगा y1 प्लस का y3 प्लस डॉट डॉट प्लस का yn 1 ये तैयार करने का तरीका है ये ऑड वाले हैं 4 y1 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट प्लस का yn 1 ये ऑड वाले प्लस अब इवन वाला इवन तो रिपीट हो रहा है इसमें y2 फिर y2 y4 y ये रिपीट जितने भी इवन वाले सब रिपीट हो रहे हैं टू टाइम्स हो जाएंगे y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस y1 प्लस का yn माइनस 2 तो याद करने का तरीका क्या होगा क्योंकि ये हो रहा है एक यही हमारा हो गया y इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू x नॉट से xn जितने भी और वाले हैं सबका 4 टाइम्स और जितने भी इवन वाले हैं सबका 2 टाइम्स ये आपको याद करने का तरीका है वैसे मान लीजिए हमने 10 पार्ट कर दिया तुम्हें y नॉट से लेके y10 तक मिलेगा तो आप लिखेंगे y नॉट प्लस y10 एक साथ कर देंगे और वाले कितने y1 y3 y5 y7 और y9 इनका 4 टाइम्स कर देंगे फिर इवन वाले क्या है y2 y4 y6 y8 इसका 2 टाइम्स कर देंगे ये तरीका होता है इस तरह से सिम्पसन्स वन थर्ड रूल ऑपरेट करते हैं और बात करेंगे सिम्पसन्स थ्री एट रूल पर ठीक है सिम्पसन थ्री एट रूल पर नेक्स्ट रिवीजन करते हैं जब भी देखिए जब से सिम्पसन वन थर्ड सिम्पसन थ्री एट द रिगार्डर रूल इन सबका जब भी आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा वॉइस क्लियर आवाज सुनाई दे रहा है
ठीक।